अच्छा पहले आप ये लाइव प्रूफ देखें कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या कर रहे हो, ठीक है। लाइव प्रूफ देखें, वो देखिए जी ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ आ गया व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। और हम इधर लिखते हैं जी कैसे हो, ठीक है। और इस तरह से आप कुछ भी अगर लिख रहे हैं तो ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारा जो है इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है। देखें जैसे कि एक और वर्ड लिख के देखते हैं कि मैं कल आऊँगा, ठीक है, आई विल कम टुमारो। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से मैं नीचे हिंदी में रोमन उर्दू में यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ और ऊपर जो है इंग्लिश में खुद ब खुद टाइप होता जा रहा है, ठीक है। आप ये काम कैसे कर सकते हैं, यानी अगर आप व्हाट्सएप पे इंग्लिश में किसी से टाइपिंग करना चाहते हैं, आपको किसी के मैसेजेस इंग्लिश में आ जाते हैं, लेट्स सपोज आपका कोई फॉरेन फ्रेंड है, या फिर अगर आप कोई आपका ऐसा बंदा है जो एफिशिएंसी दिखा रहा है, इंग्लिश मार रहा है आगे से बहुत ज़्यादा, तो यार बिल्कुल परफेक्ट वे में आपके लिए मैं एक आज सोल्यूशन लेकर आया हूँ। जैसे कि मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ कि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप आसानी किसी को भी हिंदी में मैसेज को लिख के उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके सेंड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान प्रोसीजर है, जानते हैं आज की इस वीडियो में। स्टे विद अस दोस्तों, मेरा नाम सुनैना, आप देख रहे हैं बैक ऑन टेक यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी ऐसी मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड बहुत ही सिंपली अपनी हिंदी लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे, जिनके बाद मज़े से नीचे हिंदी उर्दू में लिखें खुद ब खुद इंग्लिश में कन्वर्ट होगा और सेंड पे सेंड करी जाएं। वैसे आप अपनी दोस्त को भी इम्प्रेस कर सकते हो बहुत ज़्यादा इस तरीके से, ठीक है। तो मुझे दुआएँ देना बाद में, ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में बताना है मुझे जब ये परफेक्टली वर्क करेगा कि हाँ भाई इस टेक्निक को यूज़ करके हमने ये काम कर लिया है, ठीक है। तो भाई आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने चले जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पर आपने गूगल का जो है ना वो आपने जी बोर्ड के नाम से आपको मिल जाएगा, टेक्स वाला जो कीबोर्ड होता है ये इस तरीके से, ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है जी बोर्ड जो है गूगल कीवर्ड, और आपने इसको क्या करना है, सिंपली आपने इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, जी बोर्ड को आपने इंस्टॉल कर लेना। फ्रेंड इंस्टॉल करने के बाद अपनी व्हाट्सएप की एप्लीकेशन पे आ जाना। जी बोर्ड बेसिकली जब आप इंस्टॉल करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल आपके सामने सेटिंग्स और इंटरफेस शो होता है। अब आपने इधर से क्या करना है, आपने इधर से फ्रेंड ये जो थ्री लाइंस वाला ऑप्शन बटन नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा ट्रांसलेट, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे ऐसे आपने इस तरफ जो है ना, जैसे यहाँ पे मेरा उर्दू लिखा हुआ आ रहा है, आपने अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप बंगाली हैं बंगाली सिलेक्ट कर लें, अगर आप इंडियन हैं तो आप हिंदी सिलेक्ट कर लें, जो भी आपकी लैंग्वेज है आपने उसको जो है वो सिलेक्ट कर लेना। तो जैसे लेट सपोज मैंने उर्दू को सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट करने के बाद आपने इधर कोई भी मैसेज नीचे टाइप करना वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे कि अब इधर हम कोई मैसेज कर देते हैं, ठीक है, ये देखें लाइक हमने कल कहा था, हमने ये कह दिया तो सेड यस्टरडे उसने ट्रांसलेट कर दिया कि जी हमने कोई काम कल कहा था आपको करने को, ठीक है। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपने हिंदी उर्दू मैसेजेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करके किसी के साथ भी व्हाट्सएप पे इंग्लिश में बात कर सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, थैंक यू।